सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। MBPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले हैं 3 मार्च को। तो ऐसी कंडीशन में हमारे फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे थे कि 25 फरवरी तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली ये था कि 25 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा। नाउ यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं आया, तो असमंजस ये बन गया है कि एडमिट कार्ड अब कब आएंगे। देखिए, हमारे पास एक बहुत सॉलिड रीजन निकल के आया है कि एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया, तो जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। mponline.gov.in ये पोर्टल है जहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिल करते हो, अप्लाई करते हो। इसमें आप देखोगे कॉलम है सहायक प्राध्यापक, है ना। सहायक प्राध्यापक हिंदी है, सहायक प्राध्यापक इतिहास है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो हमारा इतिहास का है, इसको जरा देखो। इसमें आप देखोगे यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म को ओपन किया गया है कोर्ट केस कैंडिडेट के लिए केवल, और ये फॉर्म आज 26 फरवरी तक के लिए खुला हुआ था, है ना। देखो, फॉर्म यदि 26 फरवरी तक के लिए खुला है तो ऑब्वियस ही बात है उसके एडमिट कार्ड 25 को कैसे आ सकते हैं। तो देखा है तो ये एडमिट कार्ड जो है 27 को भले आ जाए, लेकिन 26 तक भी नहीं आ सकता, बिकॉज 26 तक तो फॉर्म ही ओपन कर रखा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर MBPSC ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किए थे, है ना। हालांकि कुछ बाकियों में 25 फरवरी तक ओपन किया हुआ है, जैसे हिंदी में 25 ओपन किया हुआ है, बाकी भी हैं यहाँ पे आसपास जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं तो उसके लिए ओपन किया है, बाकी थोड़े ऊपर है। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे कुछ ही फॉर्म में MBPSC ने 26 फरवरी तक या 25 फरवरी तक ओपन किया है। तो ऐसी कंडीशन में दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। हाँ, 27 फरवरी को एडमिट कार्ड आ सकते हैं, उसकी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अभी भी एक कॉम्प्लिकेशन ये बना हुआ है कि MBPSC ने इसकी इन्फॉर्मेशन जो एडमिट अभी ओपन किया था फॉर्म को, इसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी MBPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया है। तो ये भी आने वाले कल में एक कॉम्प्लिकेशन खड़ा कर सकता है। लोग बोल सकते हैं भाई मुझे तो पता ही नहीं चला कि फॉर्म आपने ओपन किया है, क्योंकि MBPSC को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कि भैया हमने फॉर्म को ओपन किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये भी MBPSC इन्फॉर्म नहीं किया है। अब पता नहीं, हो सकता है जो कोर्ट केस कैंडिडेट रहे हों उनको शायद पर्सनली मैसेज किया हो, तो एक अलग मामला है, दैट्स डिफरेंट थिंग। यदि इस कंडीशन में तो फिर तो चलो ठीक है, दैट्स फाइन। तो यहाँ पर देखा तो ये एक वन बड़ा रीज़न था कि MBPSC ने अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं। सेकेंड चीज़ एक और भी है, कल आपको प्रॉपर तरीके से पता चल पाएगा कि MBPSC अपने एडमिट कार्ड जारी करेगी या नहीं करेगी। एग्ज़ाम को भी लेकर, चूंकि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के लेकर इस समय कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन MBPSC कल डिक्लेयर करेगी। हालांकि एक असमंजस की स्थिति है कि कोई अपना एडमिट कार्ड जो है कोई फॉर्म भरवा रहा है 26 तारीख तक, और उसके करीबन 5-6 दिन बाद आपका एग्ज़ाम ले ले, तो ये भी एक बड़ा एक कन्फ्यूज़न की अवस्था बन गई है। बट लेट्स सी आने वाले कल में MBPSC क्या करती है। तो ये रहा हमारा इसके बारे में, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी चुस्त दुरुस्त बना के रखिए, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहिए, क्योंकि MBPSC कोई भरोसा नहीं कब सरप्राइज कर दे। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी में जुटे रहिए, बिल्कुल ठंडा मत होइएगा। एक और चीज़ है, हमारा MBPSC के लिए इस समय हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का हो गया, ADPO का हो गया, डेंटल सर्जन हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसके यूनिट वाइज कंपाइलेशन हमने करना शुरू किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोस पब्लिक किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल मिल जाएगा। कुछ वीडियोस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जो कंप्लीट पूरी सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से दी जा रही है, तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपका पूरा रिविजन एक बार से हो जाएगा, बढ़िया कंपाइलेशन है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में, नंबर है 8826033084, इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, चुस्त दुरुस्त बना के रखिए, रिविजन प्रॉपर तरीके से करते रहिए, और बिल्कुल ठंडे मत होइएगा कि हाँ एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, जो कि MBPSC कभी कभी सरप्राइज कर देती है। MBPSC कोई भरोसा है नहीं, है ना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवे, तो ये रहा हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट। यदि आपके पास फर्दर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है रामसून MBPSC, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ भी फर्दर जो अपडेट्स हैं वो शेयर किए आते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स सो मच।